नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं स्वीटी सालेचा आज आपको ME202 की यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 1 पास्कल्स लॉ एक्सप्लेन करूंगी। तो पास्कल्स लॉ जानने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रेशर क्या होता है। तो जैसे कि हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द एरिया, मतलब फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया मेरे पास क्या आ जाएगा इज नोन एज प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। इसकी यूनिट आपकी क्या होती है? फर्स्ट होती है आपकी पास्कल, जिसको हम डिनोट करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड सेकंड स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको गिवन होता है बार में भी, 1.0132 बार। नाउ प्रेशर इज जनरली रिप्रेजेंटेड इन फॉलोइंग टर्म। फर्स्ट होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हम किससे मेजर करते हैं? बैरोमीटर से। सेकेंड होता है आपका गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या होता है? किसी भी इक्विपमेंट के ऊपर जब हम प्रेशर मेजरिंग यूनिट लगाते हैं तो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? गेज प्रेशर। उसमें जो रीडिंग आती है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर में जीरो प्रेशर होता है आपका एटमोस्फेरिक, इसका जहाँ भी जीरो होगा वो क्या होगा? इट एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो इट इज प्रेशर अबाव द एटमोस्फेरिक प्रेशर नोन एज गॉज प्रेशर। नाउ वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या होता है कि अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर नीडल नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाती है, क्लियर है? दैट मींस कि ये प्रेशर क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। तो जब भी प्रेशर बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूम प्रेशर। नाउ एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गॉज प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। और एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वैक्यूम प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। नाउ हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो प्रेशर मैंने बोला था सबसे पहले बैरोमेट्रिक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर बैरोमीटर एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर था, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से हमने यहाँ पर बैरोमीटर लिया, इसमें जो रीडिंग आई वो हो गया आपका ATP एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब गॉज प्रेशर में क्या हो गया आपकी रीडिंग? गॉज में कितनी आई है आपकी? ये रीडिंग है गॉज की, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव गॉज प्रेशर। अब आपके एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो गया? बैरोमेट्रिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, तो दिस वन इज नोन एज द एब्सोल्यूट प्रेशर। तो ये क्या, यहाँ तक तो क्या था? ATP और यहाँ पर था GPG, ठीक है। अब अगर इसमें रीडिंग क्या हो जाती है? नेगेटिव आ जाती है। यहाँ गेज, ये लाइन है एटमोस्फेरिक प्रेशर से, अगर ये रीडिंग नीचे की तरफ आती है तो प्रेशर नेगेटिव गेज प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम प्रेशर। तो उस केस में आपके एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर विच इज इक्वल टू एब्सोल्यूट प्रेशर। नाउ तो हमारे पास चार प्रेशर हो गए। फर्स्ट हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि बैरोमीटर के द्वारा नापते हो। सेकंड होता है आपका गॉज प्रेशर, ये जब पॉजिटिव होता है तो हम इसको बोलते हैं पॉजिटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव होता है तो हम इसको बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर या फिर निर्वात दाब, क्योंकि इसमें हमें ऐसा फील होता है कि एयर को अगर सक्शन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है तो हमको नेगेटिव प्रेशर मिलता है। नाउ थर्ड होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस पॉजिटिव गेज प्रेशर और नेगेटिव गेज प्रेशर इज नोन एज द एब्सोल्यूट प्रेशर। नाउ पास्कल्स लॉ। तो साइंटिस्ट था पास्कल, जिसने कि एक लॉ करी थी, जिसने क्या बोला था कि अगर कोई भी द्रव है या फिर कोई भी एक पात्र है जिस पर कि दबाव बनाया जाए तो उसमें दाब की तीव्रता सभी दिशाओं में समान होगी। द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर एट एनी पॉइंट इन स्टैटिक फ्लूइड इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सभी दिशाओं में इंटेंसिटी क्या होगी आपकी? समान होगी, क्लियर? इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर दिखाया, ये एक बल्ब है जिसमें हमने होल्स बनाए हुए हैं, तो जैसे ही मैंने इस पर प्रेशर लगाया तो जहाँ भी ये, जिस भी होल से ये निकल रहा है, सब में इक्वल प्रेशर के साथ लिक्विड बाहर निकलेगा। नाउ और नेक्स्ट स्लाइड कि हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो हमने स्टेटमेंट क्या दिया था? द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इन अ लिक्विड एट रेस्ट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो हमको क्या प्रूव करना है कि प्रेशर इंटेंसिटी सभी दिशाओं में समान है। तो हमने क्या किया, एक ब्लॉक ले लिया ABCD।
अब इस ब्लॉक में जैसे कि हमने बोला था कि जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर टू द एरिया, तो सपोज टू बी सरफेस ए बी पर जो फोर्स लग रहा है वो है पी एक्स, ए सी पर लग रहा है पी वाई और बी सी पर जो फोर्स लग रहा है वो है पी एक्स रेस्पेक्टिवली। इनमें प्रेशर भी लग रहा है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड। नाउ आगे हम देख लेते हैं, तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द एलिमेंट्स, इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहे हैं तो दो बल लगते हैं, पहला तो हो गया नॉर्मल फोर्स टू द सरफेस ड्यू टू द फ्लूइड प्रेशर, प्रेशर के कारण से जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो तो हो गया आपका फ्लूइड प्रेशर फोर्स, सेकेंड हो गया फोर्स ड्यू टू द वेट ऑफ द फ्लूइड मास इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में ही लगेगा, तो कौन कौन से फोर्स हो गए, अगर मैं ये डायग्राम बना देती हूँ तो यहाँ पर तो हो गया एक तो पी एक्स पी वाई एंड पी जेड, ये तो फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन, और एक फोर्स और लगेगा, ये कौन सा है आपका डब्ल्यू, ये ड्यू टू द वेट। क्लियर है ना, हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले क्या हो गया पी एक्स बराबर, तो प्रेशर आपका कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, या फिर एफ इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाइड बाय ए, मतलब प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। तो प्रेशर यहाँ पर लग रहा है पी एक्स और एरिया ऑफ द फेस, कौन सी फेस पे लग रहा है, सपोज टू बी मैं यहाँ से कर लेती हूँ ए बी और सी, तो पी एक्स लग रहा है आपका सरफेस ए बी पे, तो हमने क्या कर दिया पी एक्स डॉट एरिया और फेस ए बी, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वाई है, तो ये डायरेक्शन क्या हो गई डी वाई डॉट वन वन, इसकी हमने मानी है थिकनेस। सिमिलरली फोर्स पी वाई इज इक्वल टू क्या है पी वाई इंटू एरिया ए सी, क्योंकि ए सी पे लग रहा है, एंड पी जेड बराबर क्या हो जाएगा पी जेड डॉट एरिया बी सी। नाउ वेट ऑफ द एलिमेंट, वेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वेट बराबर हमारे पास होता है मास ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एम जी। अब हमने रॉ डेंसिटी बराबर क्या हुआ था एम अपॉन वी, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रो मल्टीप्लाइड बाय सॉरी एम इज इक्वल सेकेंड सॉरी एम इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा एम इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय वी, तो यहाँ पर हमने क्या है रो मल्टीप्लाइड बाय वी मल्टीप्लाइड बाय जी, देयरफॉर इसकी वैल्यू हमने रख दी, वॉल्यूम क्या हो गया, पहले तो हमने निकाल लिया इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ट्राइंगल का वॉल्यूम क्या एरिया क्या था वन बाय हाफ ए सी इंटू बी सी मल्टीप्लाइड बाय इसकी थिकनेस मेरे पास दी हुई है वन। तो अब मेरे पास हो गया W इज इक्वल टू ए सी पर लग रहा है आपके डी एक्स और ये हो गया ए बी पर डी वाई, तो डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई रो डी एक्स डी वाई इंटू एक फोर्स इसका जो एलिमेंट है वो क्या है वन, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ और नेक्स्ट स्लाइड इज Now the element of the fluid is at rest, therefore the sum of the horizontal vertical component of forces equal to zero. मतलब क्या हो गया ये साम्य अवस्था में, कौन सी अवस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट, एट इक्विलिब्रियम स्टेट सिग्मा एफ एक्स बराबर जीरो एंड सिग्मा एफ वाई बराबर जीरो। तो सबसे पहले हमने किया फोर्स रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन, तो पी एक्स यहाँ पर था मेरे पास तीन फोर्स लग रहे थे, ये हो गया पी एक्स पी वाई एंड दिस वन इज द पी जेड। अब पी जेड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में पी एक्स पी जेड साइन थीटा और एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा पी जेड कॉस थीटा। क्लियर है, तो इसमें एलिमेंट लगा दिए मैंने फोर्सेस पी एक्स पी जेड एंड दिस वन इज द पी y, तो इस डायरेक्शन में आपके इसका एक कंपोनेंट लगेगा जो क्या लगेगा इधर है आपके पी
जेड साइन थीटा, और इधर आपके फोर्स लगेगा वो लगेगा पी जेड कॉस थीटा। क्लियर है? ऐसा आप देख ले नाउ तो पी एक्स बराबर क्या हो गया आपके पास, पी जेड साइन थीटा, और वैल्यू हमने रख दी। तो पी ये तो फोर्स था, इसको अगर हम प्रेशर में ले लेते हैं तो पहले हमने जैसे कि निकाला था पी एक्स डॉट डी वाई इज इक्वल टू पी जेड डॉट डी एस साइन थीटा। अब डी एस साइन थीटा, डी एस साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ए बी, ये क्या है ए बी। क्लियर है? कैसे हुआ? क्योंकि हमने उस वक्त ये ट्राइंगल, अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल, तो इसके अकॉर्डिंग तो आपके क्या हो गया ये सरफेस थीटा हो गई। तो हम इधर देख लेते हैं ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हम देखते हैं तो ये जो है आपका पी एस, ये एंगल हो गया अगर आपका थीटा, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो गया डी एस साइन थीटा। क्लियर है? और ए बी इज इक्वल टू क्या है मेरे पास डी वाई, तो पी एक्स डी वाई इज इक्वल टू पी जेड डी वाई, या फिर पी एक्स इज इक्वल टू पी जेड, दिस इज द इक्वेशन वन। सिमिलरली हमने क्या किया, रिजोल्विंग फोर्सेज इन y डायरेक्शन, तो y डायरेक्शन में फोर्सेस कौन कौन से हो गए, एक तो पी वाई और दूसरा फोर्स हो गया कंपोनेंट ऑफ z, दैट इज द माइनस ऑफ पी जेड कॉस थीटा, और एक और कंपोनेंट हमारे पास जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वो है वेट ऑफ द लिक्विड। अब इनको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास क्या आया, पहले तो ये फोर्स था, इसको हमने प्रेशर में कन्वर्ट किया, देन वैल्यू ऑफ द फोर्सेस रखी फ्रॉम द ट्राइंगल डी एस कॉस थीटा बराबर ए सी, जैसे कि हमने निकाला था डी एस साइन थीटा बराबर आया था आपके ए बी, तो ये हो गया आपका डी एक्स। अब ये जो वैल्यू है ये क्या है, वेरी इट इज वेरी स्मॉल, तो आपके पास क्या हो गया पी वाई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू पी जेड डॉट डी वाई, या फिर पी वाई इज इक्वल टू पी जेड। अब इन इक्वेशन को अगर हम रिलेट करते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई इज इक्वल टू पी जेड, हैंस एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड प्रेशर इंटेंसिटी इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शंस। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ द पास्कल्स लॉ, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे कि इन द हाइड्रोलिक प्रेस, इन हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर मैनोमीटर एंड प्रेशर गॉजेस। नाउ देख लेते हैं हम इसका कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया